नमस्कार दोस्तों, आप सबका नव भारती परिवार में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी कंपटीशन एग्जाम्स में के दृष्टिकोण से मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बच्चों UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे? तो पहला कारण तो ये था बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध। आप सब जानते हैं बच्चों, 1914 से 1918 के बीच में विश्व राष्ट्रों के मध्य जो युद्ध हुआ वो था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के नरसंहार को देखकर अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने विश्व राष्ट्रों में शांति स्थापित करने के लिए जिस संगठन की स्थापना की बच्चों, उसका नाम था बच्चों राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में की गई। मित्र राष्ट्रों ने इस राष्ट्रसंघ की स्थापना तो कर दी, लेकिन जर्मनी, इटली और जो दूरी राष्ट्र थे उनके साथ इसमें असमानता बढ़ती गई। राष्ट्रसंघ मित्र राष्ट्रों का संगठन बन करके रह गया। तो अगले 20 साल बाद में ही बच्चों दूसरा विश्व युद्ध हमारे विश्व राष्ट्रों को देखना पड़ा, जिसका नाम था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला। इस भीषण नरसंहार को देखकर अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था 1940 में। 1940 में ही कह दिया कि विश्व राष्ट्रों में शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। अमेरिकन राष्ट्रपति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल से मिलते हैं और कहते हैं कि विश्व राष्ट्रों में शांति स्थापित करने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक अंटार्कटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करवाए, जो कि मित्र राष्ट्र थे। 14 अगस्त 1940 को सबसे पहली बार इस पर क्या करवाए गए, हस्ताक्षर करवाए गए। और रूजवेल्ट ने ही इसका पहली बार नाम दिया था बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम दिया था बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको पहली बार नाम दिया था अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नाम से ही इस संगठन का नामकरण किया गया। और अनेक सम्मेलनों के बाद, जैसे कि मास्को सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, मास्को सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, डम्बार्टन, ऑक सम्मेलन, और सबसे अंत में जो सम्मेलन हुआ उसका नाम था बच्चों सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। कौन सा था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। और इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कौन सा सम्मेलन हुआ, इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन 1945 में किया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का प्रारंभ 1945 में किया गया और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में कर दी गई। तो यूएनओ की स्थापना बच्चों कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना कर दी गई थी बच्चों। और इसी स्थापना के साथ इस यूएनओ में 19 अध्याय है। कितने हैं, 19 अध्याय है। इसके अलावा 111 क्या है, अनुच्छेद है। 111 क्या है, अनुच्छेद है। और 10,000 शब्द जो है हमें यूएनओ के चार्टर में देखने को मिलते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाओं को देखते हुए शांति स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर जिस
संस्था की स्थापना हुई बच्चों, उसी का नाम था UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई और जिसमें 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद और 10,000 शब्द है बच्चों। आप सबको पता होना चाहिए जैतून की पत्तियों से पूरे विश्व मानचित्र को घेर रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह ने। जब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन हुआ बच्चों, तो इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर 51 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया, इस पर हस्ताक्षर किए। कितने? 51 सदस्यों ने इस पर क्या किए थे बच्चों, हस्ताक्षर किए थे। और इस 51 देशों में भारत भी इसका क्या था, संस्थापक सदस्य था। भारत 51 देशों में इसका संस्थापक सदस्य था और 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और 51वां राष्ट्र जो कि यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला था, उस देश का नाम है बच्चों पोलैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस सम्मेलन में हुआ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले संस्थापक सदस्य थे 51। तो आज हम इसकी सदस्यता की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सदस्यता की। और सदस्यता का उल्लेख यूएनओ के चार्टर अनुच्छेद 3 से लेके 6 तक जो उल्लेख मिलता है वो सदस्यता का मिलता है। तो संस्थापक सदस्य कितने थे, 51 थे। भारत क्या है, संस्थापक सदस्य है। भारत ने यूएनओ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए बच्चों, 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था, भारत था। और यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश था पोलैंड। और इसी के साथ यूएनओ की स्थापना हो जाती है। आज हमारे यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं, उन सदस्य राष्ट्रों की संख्या है बच्चों कितनी, 193 है। 193वां जो राष्ट्र है वो है आपका दक्षिणी सूडान। कौन सा है बच्चों, दक्षिणी सूडान 193वां राष्ट्र है। 192वां जो राष्ट्र है बच्चों वो है पूर्वी तिमोर। कौन सा है, पूर्वी तिमोर है। कौन है, पूर्वी तिमोर है। और इससे पहले मोंटेनिग्रो, स्विट्जरलैंड, ये कई राष्ट्रों जिन्हें जो है इसकी सदस्यता प्राप्त की थी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या, कि यूएनओ का जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की 1945 में हुआ, जिसमें यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए और यूएनओ की स्थापना हुई। और यूएनओ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ के 51 सदस्यों में भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। 51वां राष्ट्र पोलैंड था। वर्तमान में यूएनओ के सदस्यों की संख्या है 193। 193वां राष्ट्र है आपका दक्षिणी सूडान। 192वां राष्ट्र है आपका पूर्वी तिमोर। इससे पहले मोंटेनिग्रो, स्विट्जरलैंड, इन देशों ने इसकी सदस्यता प्राप्त की थी। तो ये समझ में आया सदस्यता के बारे में, यूएनओ के अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक सदस्यता का उल्लेख हमें देखने को मिलता है बच्चों। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अगर आपको यूएनओ की सदस्यता लेनी है, यूएनओ की सदस्यता लेनी है, तो इसको सदस्यता दिलवाता है महासभा। महासभा के सदस्य अपने 2/3 बहुमत से पारित कर किसी भी राष्ट्र को किसका, यूएनओ का सदस्य बना सकते हैं। इसमें सिफारिश किसकी जरूरत होती है बच्चों, सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर यूएनओ की सदस्यता को दिलवा सकता है कौन, महासभा। और कई बार क्या होता है, निलंबित भी कर सकती है अगर वो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन अगर सदस्य राष्ट्र नहीं करता है, तो इसकी सदस्यता को भी निलंबित
किया जा सकता है बच्चों। तो ये आपने यूएनओ की सदस्यता के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं यूएनओ का लक्ष्य क्या है, यूएनओ की स्थापना करने के पीछे क्या लक्ष्य था। देखो, विश्व राष्ट्रों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए यूएनओ की स्थापना की थी। तो यूएनओ का लक्ष्य है बच्चों युद्ध से बचाना, किसको, सदस्य राष्ट्रों को, विश्व राष्ट्रों को, पुरुष स्त्री बच्चों सभी को समान अधिकार दिलवाने का कार्य भी आपका यूएनओ करेगा। ये यूएनओ ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। जो भी संधियां की है सदस्य राष्ट्रों के मध्य, जो भी संधियां की हुई है उनके प्रति आदर की भावना पैदा करना सदस्य राष्ट्रों में, ये काम भी रहेगा यूएनओ का। इसके अलावा समाज में उन्नति करना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति के लिए यूएनओ हमेशा प्रयासरत रहेगा। ये यूएनओ ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए बच्चों। पहला, युद्ध से बचाना। दूसरा, समान अधिकार पुरुष और स्त्री के बीच में, बच्चों में भेदभाव की जो नीति है उसको हटा करके विश्व राष्ट्र में जितने भी पुरुष और स्त्री है उनको समान अधिकार दिलाना यूएनओ के लक्ष्यों में शामिल था। संधियों के प्रति आदर की भावना पैदा करना, सामाजिक उन्नति के लिए प्रयास करना, ये यूएनओ के लक्ष्य में शामिल था बच्चों। तो आपने देखा यूएनओ के ये लक्ष्य थे। अब बात आती है यूएनओ के चार्टर में क्या लिखा हुआ है। यूएनओ के चार्टर में यूएनओ के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है बच्चों। किसका, उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। तो यूएनओ के उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य था बच्चों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप किसकी स्थापना हुई थी, आपकी यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में विश्व राष्ट्रों का विकास करना ये भी यूएनओ के उद्देश्य में शामिल था। इसके अलावा जो भी संधियां हुई है वो संधियां क्या करवाना, उस संधियों के प्रति आदर व सम्मान की भावना पैदा करना, ये भी यूएनओ के उद्देश्यों में शामिल था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना भी यूएनओ के चार्टर में उल्लेखित था। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, संधियों के प्रति आदर की भावना पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, विश्व राष्ट्रों में सम्मान की भावना पैदा करना, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच के विवाद को सुलझाने का कार्य करता है आपका यूएनओ। तो ये यूएनओ के कुछ लक्ष्य उद्देश्य थे। अब बात करते हैं यूएनओ के सिद्धांत की। यूएनओ किन सिद्धांतों पर कार्य करता है बच्चों, वो देखते हैं। देखो बच्चों, यूएनओ का है कि हर देश की प्रभुसत्ता का सम्मान करना, हर देश की संप्रभुता का सम्मान करना यूएनओ का मेन उद्देश्य माना जाएगा। जो भी यूएनओ ने सिद्धांत अपना रखे हैं उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया जाएगा, झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। ये यूएनओ के सिद्धांत जो थे उनको अपनाया गया था। तो आपने देखा यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। कब हुई बच्चों, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसके अध्याय जो थे वो कितने हैं, इसके अध्याय है 19 और इसके अनुच्छेद है 111। इसके अलावा इसमें जो शब्द मिलते हैं वो है आपके 10,000 शब्द जो है इसमें मिलते हैं। और सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में
51 सदस्य राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और वर्तमान में जो इसके सदस्य है वो है 193 और 193वां जो राष्ट्र है बच्चों वो है आपका दक्षिणी सूडान। अब बात करते हैं बच्चों कि यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएनओ के अंग, जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इसमें से पूछा जाता है अगर बाहरी रूप में पूछा जाता है, लेकिन यूएनओ के 6 अंगों के नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों। पहला है महासभा, दूसरा है बच्चों विद्यार्थियों सुरक्षा परिषद, तीसरा है विद्यार्थियों आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है बच्चों न्यास परिषद, पांचवा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और आपका छठा और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है सचिवालय। ठीक है बच्चों, तो ये विद्यार्थियों आपने 6 अंग देखे। पहला महासभा, जिसे विश्व की नगर सभा के नाम से जाना जाता है, विश्व की संसद के नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं बच्चों महासभा। दूसरा है आपकी सुरक्षा परिषद, जिसे विश्व की कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 अंग जो है यूएनओ के 6 अंग है, और यूएनओ की सदस्यता की हमने बात करी थी अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक, इसकी सदस्यता के बारे में बताया गया है। तो हम इन 6 अंगों की डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको यूएनओ की संपूर्ण जानकारी जाननी है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। मैं यही चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप सब देखें और अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करें, बोर्ड पर लिखे हुए शॉर्ट नोट्स को लिखें और कहीं से भी अपने नोट्स को अच्छा बनाएं, बुक का रेफरेंस लें, जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको इसमें समझाऊंगी, केवल मैं उसी लाइन को लिखूंगी जो आपके आ चुके हैं। उद्देश्य में से कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके इसके लिए वीडियो डालती रहूंगी। आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाते जाइए, मेरे वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, कमेंट्स के थ्रू मेरे से क्वेश्चन पुट अप करें, तो मुझे लगेगा मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। और मेरे नव भारती स्टडी सर्कल, जिसने यूट्यूब पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी है, आप उससे जुड़े रहिए बच्चों। धन्यवाद।